नमस्कार, परमानंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। जो एंडोमेट्रियोसिस का जो पिछली वीडियो थी पार्ट वन, उसमें हमने बात करा था कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी उसके लक्षण ऐसे कौन कौन से होते हैं जिसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके अलावा हमने बात करी थी कारणों की, यानी किस वजह से कारण, यानी ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर एंडोमेट्रियोसिस को अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं या फिर लॉन्ग टाइम तक उसको बिना ट्रीटमेंट के रखते हैं तो उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और उसके पता करने के, यानी अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो उसको पता करने के लिए क्या डायग्नोसिस प्रोसीजर्स होते हैं, और इसका आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जैसे कॉम्प्लिकेशन की, तो एंडोमेट्रियोसिस जैसा मैंने बताया था कि इसका डेफिनेशन क्या है, जो एंडोमेट्रियोसिस है यानी जो सेल्स होती हैं जो यूट्रस के अंदर, यानी जिसे गर्भाशय की झिल्ली कहा जाता है, जो उनकी फॉर्मेशन होती है वो यूट्रस के बाहर कहीं भी हो सकती है, तो उसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अब कहीं भी हो सकती है, हमें कहाँ, वो यूट्रस के पीछे भी हो सकती है, यानी जो आपका गर्भाशय है उसके पीछे हो सकती है, या फिर फेलोपियन ट्यूब, यानी जो गर्भाशय नली है, गर्भाशय जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है तो उसके पास भी हो सकती है, या फिर ओवरीज यानी जो आपके अंडाशय हैं उसके पास हो सकती है। इसके अलावा और कहाँ हो सकती है, आपके इंटेस्टाइन में हो सकती है, और आपका जो ये यूरिनरी ट्रैक है वहाँ पे भी हो सकता है। तो ये जो जो ग्रोथ है जो मैं बता रही हूँ कि यूट्रस के बाहर होती है, तो ये कहीं पे भी हो सकती है, तो इसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अब इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, देखिए, जब बेसिकली जैसा अब हम एक बार इन शॉर्ट में बताती हूँ कि क्या जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। जब आपका मेंस्ट्रुएशन होता है यानी जब आपका पीरियड्स होते हैं आपके, तो उस टाइम जो ये लाइनिंग्स होती हैं वो शेड ऑफ हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो यूट्रस में जो ये लाइनिंग बनती हैं वो शेड ऑफ हो जाती हैं। तो उसका तो एक वे है कि वो आपका जो वजाइना एरिया होता है, आपकी जो योनि मागे, वहाँ से बाहर निकल जाती है, लेकिन जो यूट्रस के बाहर जो ग्रोथ हो रही है उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है, तो वो कहाँ पे जाए, तो इसीलिए वो अंदर ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, वो अंदर ही ब्लीड करना स्टार्ट कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपको मेंस्ट्रुएशन के समय बहुत ज़्यादा पेन होता है जो कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। जैसा मैंने बताया था कि कुछ ऐसे पेशेंट्स में सिम्टम्स होते हैं कि वो बेहोश हो जाती हैं, उनको इतना ज़्यादा दर्द होता है। उसके अलावा जैसे जो ब्लीडिंग होती है तो ये फेलोपियन ट्यूब के पास भी आती है, जिसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन होती है कि ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। उसके अलावा जैसे ओवरीज में जब आती हैं, यानी ओवरीज के पास जब ये ब्लीडिंग आती है, तो उसकी वजह से चॉकलेट सिस्ट की प्रॉब्लम भी होती है, और जो फॉलिकल्स होते हैं उनके फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती है, यानी जो उनकी क्वालिटी होती है एग्स की, उस पर इफ़ेक्ट आता है, और इसके साथ ही साथ फॉलिकल्स के फॉर्मेशन में भी दिक्कत आती है। यही अगर जैसे अगर ये ब्लीडिंग होती होती पेरिटोनियल कैविटी में होती होती, अगर ये आपके यूरिनरी ट्रैक के पास चला जाता है, तो वहाँ पे आपको यूरिन करने में, स्टूल पास करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि अगर आप एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं या फिर उस पर ध्यान नहीं देते, तो उसकी वजह से आपको हो सकती है। अब जैसे जो ये ब्लीडिंग है, अगर ये पूरे में फैल रही है और वहाँ पे इकट्ठी हो रही है, इकट्ठी क्यों हो रही है, क्योंकि इसको निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसकी वजह से ये इकट्ठी हो रही है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आप और जल्दी समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपकी स्किन पे कहीं कोई चोट लग जाती है, ब्लीडिंग हो रही है, तो जब ब्लीडिंग रुकती है तो क्या होता है, वहाँ पे एक निशान हो जाता है और थोड़ा सा क्लॉट सा जम जाता है ना, और वो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे ब्लड रेड है तो वो कैसा कलर हो जाता है, जो बाहर निशान होता है वो थोड़ा सा ब्राउनिश सा हो जाता है ना, और उसके अलावा जो वहाँ की स्किन होती है वो थोड़ी सी चिपक सी जाती है, खिंची खिंची सी लगती है। तो वैसे ही जब ये ब्लीडिंग अंदर की तरफ होती है, तो जो जैसे जैसे जहाँ जहाँ होती जा रही है वहाँ पे इकट्ठी हो गई, क्योंकि उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए वो जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ इकट्ठी हो रही है। इकट्ठी होकर क्या कर रही है, वहाँ पर ग्रोथ कर रही है, वहाँ पर लेयर बाई लेयर जो उसकी मतलब जो लाइनिंग है वो बढ़ती जा रही है। उसके अलावा क्या करती है ये, जैसे जो ट्यूब्स हैं वहाँ पे इकट्ठी होके क्या करेगी, ट्यूब्स को ब्लॉक कर देगी। जो आपकी ओवरीज हैं वहाँ पे इकट्ठी होके क्या करेगी, ब्लॉकेज उत्पन्न करेगी, नहीं तो गांठ बन जाती है। तो ये क्या करेगी, ओवरीज में गांठ बना देगी, जिसे हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। चॉकलेट सिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जो ब्लड है वो इकट्ठा होता जा रहा है, एक फॉर्म लेता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है,
वहाँ पे काफ़ी टाइम से ब्लड इकट्ठा हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो उसका कलर है वो भी चेंज होता जाता है, तो वो रेड से ब्राउन की तरफ होता जाता है, इसकी वजह से वो चॉकलेट जैसा दिखाई देता है, इसकी वजह से उसको चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके अलावा मैंने बताया था कि आपके यूरिनरी ट्रैक की तरफ आता है, तो यूरिनरी ट्रैक की तरफ अगर इकट्ठा हो रहा है, वहाँ पे ग्रोथ हो रही है, तो आपको यूरिन करने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है। और एक और मैंने बताया था कि आपके गर्भाशय के पीछे की तरफ हो जाता है, तो अगर गर्भाशय के पीछे की तरफ है आपको जो ये एक्स्ट्रा जो ग्रोथ हो गई है लाइनिंग की, तो वहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम होगी कि जब भी आप इंटरपोज करेंगे, जब भी आप संबंध बनाएंगे, तो आपको उस समय बहुत ज़्यादा पेन होगा। और जो मेंसुरेशन के टाइम में जो आपको पेन होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि जो ये ब्लीडिंग हो रही है अंदर की तरफ, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें एक दूसरे से चिपक जाती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स चिपक जाएंगी, ओवरीज चिपक जाती हैं, यूट्रस चिपक जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको पेन होता है बहुत ज़्यादा। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब देखिए, अब इससे जो सबसे मेजर जो कॉम्प्लिकेशन निकल के आता है वो क्या आता है कि आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी ओवरीज हैं वो उसमें कहीं ना कहीं जो फॉलिकल्स हैं वो बनने बंद हो जाते हैं, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, चॉकलेट सिस्ट बन जाता है। उसके अलावा जो आपके ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, आपका जो यूट्रस है उसके पीछे गांठ बनी हुई है, और बेसिकली यूट्रस के पीछे गांठ है तो आप संबंध बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो इसकी वजह से जो मेजर कॉम्प्लिकेशन आता है वो ये आता है कि आप मतलब इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आपको हो जाती है, राइट? तो ये तो हमने कॉम्प्लिकेशंस की बात करी। अब हम अगर बात करें कि हमें कैसे पता चले कि हमें मतलब एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, तो जो सिम्टम्स मैंने बताए थे पिछले पार्ट में, आप वो जाके देखिए, उसमें जो सिम्टम्स अगर ऐसे कुछ आते हैं, आपको सीवियर सिम्टम्स आते हैं, तो आप ज़रूर एक बार अपने गायनी से कंसल्ट कीजिए, और आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। आपके अगर रिपोर्ट है अल्ट्रासाउंड की या कुछ भी, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब ऐसे कौन कौन से डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं जिसके द्वारा पता ये चलेगा कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं है? एक तो सबसे पहले पेल्विक एग्जामिनेशन, यानी जब आप अपनी गायनी के पास जाते हैं तो वो आपका इंटरनल एग्जामिन करती हैं, तो उससे भी पता चल जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। क्योंकि अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, तो उस टाइम जो नॉर्मल जो अगर एग्जामिनेशन करते हैं किसी नॉर्मल फीमेल की जिसे नहीं है ये प्रॉब्लम, तो उनको कम पेन होगा। लेकिन अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि आपको पेन थोड़ा ज़्यादा हो, फाइन। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड कहा जाता है कि अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि उसकी जो लाइनिंग है वो बढ़ी हुई है, या फिर आउटर साइड में कोई ग्रोथ है या नहीं है, है ना, ये भी पता चल जाता है। बेस्ट जो है वो MRI होता है। MRI में आपके अंडर के जितने भी सॉफ्ट सेल्स होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, उन सब के बारे में स्कैनिंग हो जाती है, तो कहाँ कहाँ ग्रोथ है वो सब पता चल जाता है। तो MRI इज़ द बेस्ट। उसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं जैसा मैंने बताया, और लेप्रोस्कोपी से भी पता चलता है कि आपको एंडोमेट्रोसिस है या नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे MRI और अल्ट्रासाउंड ही एडवाइस करूँगी, और पेल्विक अल्ट्रासाउंड और पेल्विक जो एग्जामिनेशन मैंने बताया। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए, अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें देते हैं, जो NSAIDs के अंदर आता है, यानी ऐसी मेडिसिन जो कि आपकी जो स्वेलिंग है उसको कम करती है, आपके पेन को कम करती है, वो आपको ऐसी मेडिसिन देते हैं, या फिर हार्मोनल मतलब बैलेंसेस के लिए मेडिसिन देंगे, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है इसमें, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो आपके एस्ट्रोजन लेवल को कम करने के लिए यानी बैलेंस करने के लिए भी आपको हार्मोनल मेडिसिन देते हैं वो। आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट है इसका? अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए कि इसका क्या ट्रीटमेंट है, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जैसे इसका पूरा 100% इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि ठीक हो चुके हैं हमारे एंडोमेट्रियोसिस के मेडिसिन से ही सिर्फ, लेकिन इसके साथ अगर पंचकर्मा कराते हैं तो वो और भी जल्दी इफेक्ट आता है उसका, फाइन। तो अब हम अगर बात करें, जैसे मैंने आपको कॉजेज में बताया था पिछले पार्ट में, आप देख सकते हैं कि इसके कारण में मैंने वात दोष का इन्वॉल्वमेंट बताया था, अपान वायु का, और साथ ही साथ पित्त और कफ का भी इन्वॉल्वमेंट था। अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है और भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए तीनों दोष इन्वॉल्व होते हैं। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं आयुर्वेद में, ऐसी मेडिसिन, ऐसे हर्बल और जो कॉम्बिनेशन आपको देते हैं जिससे त्रिदोष यानी तीनों दोषों पर उनका अफेक्ट हो, और जो भी दोष मतलब बढ़े हुए हैं या घटे हुए हैं उनमें बैलेंस आ जाए, ठीक है। हम ऐसी आपको हर्बल मेडिसिन देते हैं। उसके अलावा
अगर आपको जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा पेन है, कुछ ऐसी जो बिल्कुल आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हम मात्रावस्थी आपको देते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपके वायु का जो प्रकोप बढ़ा हुआ है वो आपका कम हो जाएगा, तो जो आपको पेन है वो ठीक हो जाएगा। फाइन, आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ब्रूफेन या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है जो कि पेन किलर्स होते हैं, जो कि आपके कुछ टाइम के मतलब जो पेन है उसको कम करते हैं, यानी वो आपका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, आपका स्थायी ट्रीटमेंट नहीं है वो। तो एक तो आपने मात्रावस्थी कराई, उसके बाद क्या होता है, अगर आप मतलब अगर आप पंचकर्म करा सकते हैं तो आप विरेचन भी करा सकते हैं, और साथ में आप अगर उत्तरवस्थी कराते हैं तो इससे क्या होगा, ये हम डिसाइड करते हैं पेशेंट की कंडीशन टू कंडीशन कि उनको कब कराना चाहिए, उनकी क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। बाकी मात्रावस्थी पेन के लिए आपके बहुत बेस्ट रहता है। उसके साथ जैसे हम कुछ मेडिसिन देते हैं, तो मेडिसिन से मैंने बताया कि वो आपके वात पे, पित्त पे, कफ पे, तीनों पे काम करता है और जो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपका आयुर्वेद में ट्रीटमेंट होता है एंडोमेट्रियोसिस का। अब जैसे कुछ पेशेंट्स पूछते हैं जी अगर हम मॉडर्न मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग अगर वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके साथ हम मेडिसिन ले सकते हैं या नहीं आयुर्वेदिक, जी आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट 30 मिनट्स का आप गैप मेंटेन कीजिए, उसके बाद ही आप मेडिसिन लीजिए। अगर आप कोई भी जैसे अगर आपने 8 बजे एलोपैथी मेडिसिन ली है तो 8:30 के अराउंड ही आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लीजिए। ठीक है, उसके अलावा कितना टाइम लगता है ठीक होने में, देखिए जो एंडोमेट्रियोसिस में जो पेन होता है आपको मेंसुरेशन के समय में, इंटरकोर्स के समय में और स्टूल पास करने के समय या फिर यूरिन पास आउट करने के समय, तो इन जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ये सिम्टम्स हैं आपके, नौजिया जैसी फीलिंग आती है आपको मेंसुरेशन के टाइम में हमेशा, तो जो ये सिम्टम्स हैं आपके, ये आप अगर कंटिन्यू 1 मंथ रेगुलरली मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको 2nd मंथ में ऑटोमेटिकली आपको फील होगा कि जो आपकी मेंसुरेशन साइकिल है उसमें आपको बहुत आराम हो गया है। उसके अलावा आप 3 मंथ्स, अब ये भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसी है, आपको एंडोमेट्रियोसिस है वो कितने ग्रेड का है, तो उसमें डिपेंड करता है कि आपको कितनी जल्दी आराम मिलेगा। किसी किसी को 3 मंथ्स में आराम मिलता है, किसी को 6 मंथ्स लग जाते हैं, किसी को 9 मंथ्स भी लग जाते हैं, तो आप विद पेशेंस आप मेडिसिन लीजिए, आपको ज़रूर आराम मिलेगा। और आपको जो जैसा मैंने बताया कि जो पेन होता है और मेंसुरेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसमें आपको 1 से 1.5 महीने में ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट खुद फील होने लग जाएगा। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धीरे धीरे जो आपकी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, और आपको ऐसे अगर और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है या फिर और भी कोई फीमेल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। इसके अलावा अगर आप कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, जैसा अभी के समय में बाहर जाना थोड़ा रिस्की है, तो अगर आपको कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेना है आपके घर के पास नहीं मिल पा रहा तो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मेडिसिंस हैं जो कि हमारी कंपनी में प्रिपेयर की जाती हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके चेक कीजिए। हमारी वेबसाइट का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके और आप कोई भी मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कीजिए मेडिसिन का नाम, तब भी आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अगली बार मैं कोई भी आयुर्वेदिक से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँ तो आप घर बैठे उसकी पूर्ण जानकारी ले सकें। अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।